Dangal. It's being spoken of as the biggest film yet, as the film that's going to shatter all the records. Is that something that you've heard, and people who've watched it already have also said the best film in 20 years is something we're all hearing? You know, I don't think either Nitish or I wanted to break any records, and that's not why we were making this film. ये कहानी है जो हमको बहुत पसंद आई है और हमें बड़ी खुशी होगी कि जब लोग देखें इस फिल्म को उनके दिल को ये फिल्म छू ले हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है और आई थिंक दैट रिकॉर्ड्स विकॉर्ड्स का तो मुझे पता नहीं आई जस्ट फील कि आई एम हैप्पी कि जो हम फिल्म बनाने चले थे सर वो हम बना पाएँ मतलब व्हेन आई सी द फिल्म टुडे जो नितीश जी ने मुझे नरेट किया था और आज जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही खूबी से जो स्क्रिप्ट थी उन्होंने पर्दे पे उतारी है और ये फिल्म लोगों को पसंद आया उनके दिल को छू ले यही हम इसी से हम खुश होंगे हेलो सर हेलो सर हाँ जी हाँ जी हेलो सर इधर 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 कहाँ यार सर इधर ओह अच्छा अच्छा हाँ आप उसके पीछे छुपे हो सर किशन सर आपको हाल ही में कुछ दिक्कतें आई क्या 500,000 के नोट बंद हुए तो मेरे पास पैसे रहते नहीं है मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा फॉर्चुनेटली मैं अपने सारे टैक्सेस देता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा आमिर सर मेरा क्वेश्चन है ना सुहाना मैम के लिए सुहानी मैम हेलो हेलो सुहानी मैम माय नेम इज आल्सो सुहाना एंड माय पापा कॉल मी सुहानी आल्सो तो आई लाइक सुहानी ओनली सो माय क्वेश्चन इज कि आपने इतना सब कुछ कैसे किया ये रनिंग एंड ऑल यू डू हाउ एक्चुअली वी वर इन बॉम्बे 6 मंथ्स ट्रेनिंग एंड ऑल द क्रेडिट गोस टू our trainers who have you know bahut acche se unhone hame train kiya hai so as I was saying that they have trained us very well and we have very really worked hard so I just wanted to thank sir and Aamir sir for just giving us this opportunity so that we can prove ourselves to everyone थैंक यू बेटा मेरा आप दोनों से सवाल है दोनों बच्चों से मेरा नाम आलोक है आपके लेफ्ट में कॉर्नर ऑन सेट कैसे थे आमिर खान साहब आप दोनों के साथ उन्होंने कान बंद कर लिया आप बता सकते हैं दोनों स्ट्रिक्ट थे नहीं क्या खूबी आपने पाई इनके अंदर क्या लाइक एज वो अपने रोल में थे हानिकारक बापू but behind the scenes he was just opposite to that so he was very caring very supporting and kisi bhi point pe aisa nahi laga that he's you know like very rude or acting as an actor so he was very nice to everyone on the crew everyone not even a single person would feel You know, like isolated or anything, but he was very nice to everyone, and he's very encouraging. I would say. And even if he's Haanikaarak, there's a reason to it. reason क्या था वो? नहीं मतलब मैं off screen भी अच्छी acting करता हूँ. Yeah. आमिर आपसे एक और सवाल है कि अच्छा हाँ बोलिए please. Not only अगर वो Haanikaarak है, there's a reason to it. He has a point, और वो हमारी betterment के लिए ही Haanikaarak. Audio. आमिर wants his kids to rise, no? So for that. किसी का स्पीकर की तरफ माइक है इसलिए आवाज आ रही है आमिर आपसे मेरा सवाल है कि फिल्म के गाने में कई सारी लाइंस हैं जैसे तुझसे तो बेहतर हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं बापू तू हानिकारक है आपका पर्टिकुलर कोई फेवरेट लाइन है जो सुना हो आपने इसमें आई थिंक मेरा फेवरेट लाइन वही है वो दो लाइन है मेरी फेवरेट एक तो तुझसे बेहतर तो हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं और दूसरा के क्या फिर भी खुश ना हुआ मगैम्बो हम तेरे बलिहारी हाँ नहीं लेकिन ये इसमें बहुत अलग है हमें रही प्यार के में जो किरदार था वो थोड़ा भोला टाइप का था उसको समझ में नहीं आ रहा बच्चों को मैं हेलो हाँ उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बच्चों की कैसे देखभाल करूँ उनकी परवरिश कैसे करूँ यहाँ महावीर जो है वो बहुत ही क्लियर है उसको क्या करना है
तो हाँ हमें रही प्यार से काफी अलग है। हाँ मेरी बात नहीं हुई, मेरी बात नहीं हुई, आई होप देखी होगी उसने। टेलर हाय आमिर, दिस इज हीना कुमावत। हाय हाय हाय। जैसे कि इसमें गाने में लाइन है कि बापू से अच्छे तो हिंदी फिल्मों के खलनायक है जब आप